देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों में, जिसको लेकर ये कंफ्यूजन होती है कि यार कितना पढ़े, क्योंकि कई जगह अलग अलग इंटरव्यूज में वो बहुत ही इस तरीके की बातें सुन लेते हैं कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़े। लेकिन ये सब इलॉजिकल बातें, क्योंकि आपकी बॉडी की, आपके माइंड की सब चीज़ों को काम करने की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर आपने किसी को सुना भी है कि उसने 16 घंटे पढ़ाई की है, तो उसने रेगुलर 16 घंटे पढ़ाई नहीं की है, उसने एग्जाम के टाइम जब हफ्ता 10 दिन पहले का टाइम जो बचा है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, उस टाइम उसने किया, बाकी टाइम उसने वही नॉर्मल लाइफ जी है और वही नॉर्मल स्टडी की है। एक सामान्य एस्पिरेंट को आमतौर पर 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत होता है। सबसे जरूरी चीज़ ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ें, सबसे जरूरी चीज़ ये है कि क्या आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नहीं, कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे जरूरी है। अगर आपको लगता है कि भाई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर एक दिन में 20-20 घंटे प्रैक्टिस कर लेंगे बैटिंग की, तो वो अगले मैच में सेंचुरी मार देंगे, मार नहीं पाएंगे, पूरा शरीर डाउन हो जाएगा, बॉडी डाउन हो जाएगी, ड्रेन आउट हो जाएगा। ऐसे ही स्टडी है, यूपीएससी का भी है, आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ करके या कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा पढ़ करके एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। विराट कोहली है और लगातार डेली नेट्स में आता है, चाहे 2 घंटे करे, 1 घंटे करे, 3 घंटे करे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी है। अब जो एस्पिरेंट ये कंसिस्टेंसी बना जाता है वो पास हो जाता है। तो घंटों के ऊपर कभी मत जाओ, क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करो, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा घंटे करने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ोगे 6 से 8 घंटे बहुत होता है।